हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने फर्स्ट क्लास की कॉपी लेके आई हूँ और मैं ये कॉपी अपने बच्चों की शेयर कर रही हूँ, जिसमें मतलब मैं बच्चों को अपने कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ, घर पे कैसे वर्क देती हूँ। तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं या मिस्टेक देख रहे हैं या रफली राइटिंग देखे तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस से प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि UKG क्लास में कैपिटल कर्सिव होती है, तो मैंने एक बार उसको रिवाइज करने को दी थी पूरी ABCDEFGH ऐसे करके। उसके बाद टू लेटर वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, इन्हें साइट वर्ड्स भी आप कह सकते हो। तो इट सो वी हर, इस तरीके के देखिए वर्ड्स की मैंने प्रैक्टिस दी जिसमें इनको लिखना आए। माई गो ही इस, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद डिक्टेशन, जैसा कि उनको उनके जैसे जो भी चैप्टर है स्कूल में, क्लास में, बुक में, जो भी चैप्टर है, तो उसके लिए देखिए ही शी हिज हर इट सो द मी आर प्ले लव वी गो फादर फॉर मदर योर ब्रदर ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर दिस और दैट, इस तरीके से। साथ में उसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने डिक्टेशन बोली है, जैसे माई नेम इज़ रिया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बोला था तो उन्होंने मिस्टेक करी थी, अभी भी करते हैं कई बार। तो जैसे ये बताना पड़ेगा, जब आप डिक्टेशन बोलोगे, पैराग्राफ बोलोगे, तभी होगा कि कैपिटल में लिखें, फुल स्टॉप के बाद लेटर जो है वो किस तरीके से होगा। देखिए हेयर की स्पेलिंग गलत थी, HER, इस तरीके से। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, बच्चे को डिक्टेशन रिटन पार्ट कराना पड़ेगा। सेम उसी में जब वो वर्ड्स बढ़ते गए तो मैंने और प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई इसकी। जैसे देखिए लैपटॉप की स्पेलिंग मैंने आपसे कंप्यूटर का चैप्टर शेयर कर रखा है, तो उसमें देखिए जो था फर्स्ट पार्ट में, मैं चैप्टर वन लेसन वन में था लैपटॉप, तो देखिए स्पेलिंग गलत है। जैसे डेस्कटॉप की दी है तो वो गलत है, टैबलेट की कहीं सही करी, तो ऐसे धीरे धीरे आता है। ग्रैंडफादर में देखिए एन लगाना भूल गए, तो ऐसे कई बार ओरली बच्चा सुना लेता है, लेकिन अगर रिटन की बात करेंगे तो वो लिखते वक्त भूल जाता है। डिक्टेशन, ये बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स अभी तक मैं 5 बोलती थी, UKG में 10 बोलती थी, अब अगर 15 ना एटलीस्ट आने चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, हेड हेयर आइज नोज लिप्स माउथ स्किन ईयर हैंड फिंगर आर्म्स लेग्स नी शोल्डर एंड टोस्ट, इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस कराई है। फिर सिंपल पूरी ऐसे जेड तक दे दिया है, आप देख सकते हो। और ये एक अनस्क्रैम्बल वर्ड्स थे, इनका एक चैप्टर था, जैसे ये BUD बर्ड, ये फ्लावर के लिए था, ये ब्रांचेस के लिए था और ये ट्रंक के लिए था। तो ये देखिए उस तरीके से प्लांट से रिलेटेड था। अगेन कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट, ये डिक्टेशन बोली थी, हेड ईयर नोज सारा डिक्टेशन बोला था। ये इनकी है पोयम, फर्स्ट नंबर लेसन वन आप बोल सकते हो या फर्स्ट पोयम आप बोल सकते हो। ये देखिए, व्हेन आई वॉज वन आई हैड जस्ट बिगन व्हेन आई वॉज टू आई वॉज नियरली न्यू, तो ये मैंने ओरली बोली थी, तो इन लोगों ने ये इस तरीके से लिखी थी, बट मिस्टेक अभी भी होती है, मैं आपको बोल दे रही हूँ। स्मॉल A to Z आप रिवाइज करवाइए जिसमें फॉर्मेशन सही हो। Z में बहुत प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चों को, तो जैसे कुछ पर्टिकुलर लेटर्स अल्फ़ाबेट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइए। साथ साथ ही मैं देखिए A से लेके Z तक बार बार देती हूँ इनको। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आगे आपसे शेयर करूँगी। जैसे वही जो फर्स्ट चैप्टर है जिसकी डिक्टेशन मैं बार बार बोलती हूँ, जैसे रियाज फादर लव्स टू कुक, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं देती हूँ, मतलब ओरली ये भी बोलती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे इनको सिखाना ऐसे करा, हेड की फर्स्ट लेटर जो है वो आपको कैपिटल में लिखना है, तो धीरे धीरे उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया। ठीक है, और आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बता दूँ। जैसे फिर और प्रैक्टिस के लिए जैसे ऐसे दे दो, फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स, ये क्या है, ये चैप्टर ही है। ठीक है, चैप्टर के ही फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कई बार होता है, मैं कह तो रही हूँ, बुक से हम लोग लर्न कराते हैं, बच्चे लर्न कर लेते हैं, बता भी देते हैं, जब रिटन पार्ट की बात आती है तो कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से 10 बॉडी पार्ट्स दे दीजिए। ये भी इनका एक राइम पोर्शन है जिसमें ऐसे मैच करना है, राइम सुनाने को तो नहीं आती है। जैक एंड जिल, तो सेट ये देखिए, वेंट अप टू द हिल, उसमें मार्क करेंगे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, तो इस तरीके से आएगा। फिर देखिए 10 एटलीस्ट फ्लावर्स नेम आने चाहिए, तो रोज ट्यूलिप जैस्मिन लिली ब्लूबेल सनफ्लावर लोटस हिबिस्कस मैरीगोल्ड एंड डैफोडिल। ठीक है, डैफोडिल तो ये आ गया। फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से देती हूँ कि चैप्टर का, इफ़ यू स्लीप अर्ली यू विल फील फ्रेश इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। अभी जो मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रही थी, वो देखिए मैं इस तरीके से अभी भी प्रैक्टिस को देती हूँ और अभी भी मिस्टेक होती है, वही 4 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे लिखना पहले सीखें।
आप ऐसा, कई लोग मुझे लास्ट उसमें भी आया था कि आप लोग बहुत लिख के प्रैक्टिस करवाते हो, इतना तो बच्चा पैनिक हो जाएगा, पजल हो जाएगा। तो देखिए, हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो कुछ बच्चे देख के याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे लिख के करते हैं, बस मुझे देखना है कि प्रैक्टिस रिटन उनका हो ना हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, हर बच्चे का अलग अलग एबिलिटी होती है, मैं ये मानती हूँ। वॉट डज रियाज फादर लव टू डू, तो जैसे रियाज फादर लव टू कुक, तो इस तरीके से मैं इनको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, तभी मुझे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ये सही लिख पा रहे कि नहीं। तो आप देखिए, ये फ्लावर्स नेम और ये बॉडी पार्ट्स और ये सब डिक्टेशन पार्ट है, जो चैप्टर में जो टफ वर्ड्स या न्यू वर्ड्स या हार्ड वर्ड्स करके आते हैं बच्चों के, उसमें उस तरीके से अगेन मैंने वो राइम रिपीट करवा दी। मतलब आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बॉडी पार्ट्स, फ्लावर्स नेम, फिर ये देखिए नंबर नेम आ गया। 20 तक ज़रूर 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 रिवाइज करवाया करिए, फिर 21, 31, 41, ये लाइन्स से मिस 20, 30, 40, 50 की आप स्पेलिंग रिवाइज करवा लो, फिर 1, 2, 3 तो वो आगे लगाते चले जाते हैं, इसी में थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। फिर इसी तरीके से मैंने फ्रूट नेम कवर किए, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, कीवी, ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, पाइन एप्पल, पियर, वाटर मेलन, उसको इधर कुछ आ नहीं रहा था तो उसने ब्लैक ग्रेप्स लिख दिया, तो मैं उसको मना भी नहीं कर पाई। अपोजिट आ गए सिलेबस में 5, अभी टर्म 1 में है, ड्राई ड्राई, वेट, हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड, टॉल का शॉर्ट और थिक का थिन, ये टर्म 1 की मैं बात कर रही हूँ। फिर संडे मंडे भी आ गया है इस बार, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने 11 से लेकर 20 तक नंबर नेम्स दिए, उसके बाद सीधे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, और देखिए 90 में इन्होंने लिखा है 19, ये मैं आप देख रही हूँ। तो इस तरीके से अगेन क्वेश्चन आंसर, तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, दीजिए। ये मैं हमने अपना करा है कि मैं किस तरीके से करती हूँ, जैसे फिंगर्स नेम, ये ईवीएस का पार्ट है, 5 जो फिंगर्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, थम, इंडेक्स फिंगर, मिडल की स्पेलिंग देखिए गलत फिर भी लिखी है, रिंग फिंगर, और यहाँ पे फिंगर की स्पेलिंग नहीं लिखी है। तो इस तरीके से ही हमें बच्चों की मिस्टेक्स का पता चलता है, और मैं इस तरीके से ही प्रैक्टिस कराती हूँ। ये था इंग्लिश का पार्ट, आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं मैथ्स का लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।